दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की थी कि 5 अप्रैल रात 9 बजे आप घर की अपनी सारी लाइटें बंद कर दें, दिए, कैंडल, टॉर्च जलाएं, 9 मिनट के लिए ऐसा करें ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और मीडिया वालों का मनोबल बना रहे। लेकिन लोग सिर्फ दिया मोमबत्ती जलाने पर नहीं रुके, उन्होंने पटाखे फोड़े, कागज की लालटेन उड़ाए और फिर मशाल जलाकर रैलियां निकाली। ऐसे लोगों पर नाराजगी जाहिर की बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, और उनमें से एक सोनम कपूर भी थी। 2 ट्वीट उन्होंने किए, इसके बाद वो बुरी तरीके से ट्रोल होने लगी। प्रोड्यूसर अशोक पंडित भी सोनम से ट्विटर पर भिड़ गए। पूरा जो मसला है वो आपको हम समझाते हैं, लेकिन पहले वो 2 ट्वीट्स पढ़ा देते हैं जो सोनम ने किए। सोनम ने 5 अप्रैल रात को 2 ट्वीट किए। तो पहला जो ट्वीट है उसमें वो लिखती हैं, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वो कुत्तों को बाहर निकाल रहे हैं, क्या लोगों को ये दिवाली लग रही है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। दूसरे ट्वीट में वो लिखती हैं, यहाँ पूरी तरह से शांति और शांति का माहौल था, अब दक्षिण दिल्ली में पक्षी कुत्ते परेशान हैं, शोर शराबा सुनाई दे रहा है क्योंकि कुछ मूर्खों ने आज रात पटाखे फोड़ने का फैसला किया है। अभी फिलहाल सोनम साउथ दिल्ली में रुकी हुई है अपने पति के यहाँ आनंद आहूजा के घर पर, और इन ट्वीट्स के बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। लोग उनको उनकी दिवाली की फोटोज और वीडियोज निकाल कर ले आए, लोग पूछने लगे कि दिवाली पर पटाखे क्यों चलाती हैं आप, लोग उन्हें फ्रस्ट्रेटेड बताने लगे। अपनी दिवाली वाली तस्वीरों पर सोनम ने लिखा कि मुझे खुशी है कि आप कॉमन सेंस रखते हैं, हर चीज़ का एक समय और स्थान होता है। सोनम की ट्वीट पर ना सिर्फ ट्रोल्स ने उनको टारगेट किया, हमने आपको बताया जैसे कि प्रोड्यूसर अशोक पंडित भी उनसे भिड़ गए, तो उन्होंने भी इस बहस में मतलब जिसे कहते हैं ना अपनी तरफ से कमेंट किया। उन्होंने सोनम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि सोनम जी, पटाखे सेलिब्रेशन के दौरान जलाए जाते हैं, सिर्फ दिवाली पर नहीं, लोग इस मुश्किल वक्त में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम ये तबलीगी जमात की तरह वायरस तो नहीं फैला रहे, काश आप पटाखे फोड़ने की बजाय आतंकवाद के इस कृत्य की निंदा करते। इसके जवाब में सोनम कपूर ने लिखा कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है अशोक जी, ये भी सुनिश्चित करना कि कोई सांप्रदायिक घुसपैठ ना हो, जिससे सरकार अच्छे काम करने पर फोकस कर सके जिस तरह से वो कर रही है। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे, आप एक समझदार व्यक्ति हैं जो अच्छा और दयालु होने में विश्वास रखते हैं। इस पर अशोक पंडित ने रिएक्ट करते हुए लिखा कि हम सभी को अपने और दूसरों के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी, तबलीगी जमात पर उसके आतंकवाद कृत्य पर आपकी प्रतिक्रिया का अभी भी इंतजार है, वो बहुत सी मौतों के जिम्मेदार हैं, वो आतंकवादी हैं, आप उनकी निंदा करें। अशोक पंडित के जवाब में सोनम कपूर ने लिखा कि मैं हवा में तीर नहीं छोड़ रही, जैसा मैंने पहले कहा था कि सामाजिक दूरी बहुत ज़रूरी है और जो भी उसे फॉलो नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, वो सब गलत हैं। मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे, आपको और भी कई ज़रूरी काम होंगे, मुझे लगता है कि हम दोनों ने अपनी बातें रख दी हैं। इस पर अशोक पंडित ने लिखा, चलिए इसका सामान्यीकरण नहीं करते हैं, हम सबने आसाराम बापू, राम रहीम के खिलाफ आवाजें उठाई हैं, जब दूसरे धर्मों की बात आती है तो भी यही उम्मीद की जाती है, अपराधी अपराधी है, दिन अच्छा बीते आपका। इसके बाद सोनम का कोई रिप्लाई नहीं आया। हालांकि सोनम अकेली नहीं है जिन्होंने दिए जलाने की जगह इस तरह के जश्न मनाने का विरोध किया है। ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू, रणवीर शौरी और अनुराग कश्यप ने भी ट्विटर पर ऐसे लोगों को लतार लगाई है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो यहीं तक, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन का पालन करते रहें, संक्रमण से बचाए रखें खुद को। बाय बाय।